जी हाँ दोस्तों, आखिरकार सुपर फोर के अंतिम राउंड मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान की टीम को हराने के बाद पॉइंट टेबल में देख सकते हो कि पाकिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं भारत को ऐसी बड़ी खुशखबरी मिल गई है जिसको जानने के बाद पूरा भारत देश खुशी से पटाखे फोड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार क्या हुआ है एशिया कप की पॉइंट टेबल में पाकिस्तान की टीम की हार के बाद और कैसे पाकिस्तान का घमंड चूर चूर हो गया है, वो सब तो आपको यहाँ पर हम पॉइंट टेबल के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताना कि रोहित शर्मा और बाबर आजम में से कौन है एक अच्छा कप्तान। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम के बीच एशिया कप 2022 के सुपर फोर राउंड का अंतिम मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को कुल मिलाकर 5 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में अपने 10 विकेट गंवाकर 121 रन ही बनाए थे और यहां पर 20 ओवर भी पूरे पाकिस्तान की टीम खेल नहीं पाई। हालांकि दोस्तों मुकाबला कांटे की टक्कर का तब हो गया जब श्रीलंका बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाजों ने एक एक कर अपने सभी विकेट शुरुआती कुछ चंद ओवर में ही गंवा दिए और श्रीलंका की टीम 29/3 के स्कोर के साथ टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पतुम निसंका और भानुका राजपक्षे ने मुकाबले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। दरअसल दोस्तों पतुम निसंका ने जहां 48 गेंदों में 55 रन बनाए तो वहीं भानुका राजपक्षे ने 19 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली और इन्हीं की इस बल्लेबाजी की बदौलत यहां टीम वापसी कर पाने में कामयाब हो सकी। तो वहीं फिर अंत में आकर दसुन सनाका ने 16 गेंदों में 21 रन बनाए और बानिंदु हसरंगा ने 10 रन बनाकर श्रीलंका की टीम को जीत दिलाई और वहीं दोस्तों इसी के साथ पाकिस्तान की टीम को 5 विकेटों से हार का सामना इस मुकाबले में करना पड़ा। लेकिन फाइनल में पहुंचने से ठीक पहले पाकिस्तान की टीम को यह हार काफी ज्यादा भारी उन्हीं के लिए साबित हो गई है। दरअसल दोस्तों आप सभी जैसा कि पॉइंट टेबल में देख पा रहे होंगे कि पॉइंट टेबल के अनुसार जो श्रीलंका की टीम है वो 3 में से 3 मुकाबले जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है और इस दौरान उनका 0.7 नेट रन रेट चल रहा है। तो वहीं पाकिस्तान की टीम का जो नेट रन रेट है वो माइनस में जा रखा है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान ने भले ही 3 में से 2 मुकाबले जीतकर 4 पॉइंट अर्जित करे हैं लेकिन पाकिस्तान की टीम का नेट रन रेट इस मुकाबले के बाद माइनस में जा चुका है। वहीं बात करें तीसरी टीम की तो दोस्तों तीसरी टीम निकल कर आती है, वो है भारत की टीम, जहां भारत की टीम ने 3 मुकाबले खेले हैं और 1 में उसको अफगानिस्तान के खिलाफ जीत मिली थी और 2 मैचों में उसको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2 पॉइंट्स के साथ भारतीय टीम का जो नेट रन रेट है वो बेहद ही लाजवाब है जिसके चलते यहां पर भारतीय टीम तीसरे नंबर पर आती है। तो वहीं दोस्तों चौथे नंबर पर निकल कर आते हैं अफगानिस्तान की टीम, जहां अफगानिस्तान की टीम ने भी 3 मुकाबले ही खेले हैं और तीनों में उनको हार का सामना करना पड़ा है और उनका भी नेट रन रेट माइनस में है। हालांकि दोस्तों अगर आप नजर डालोगे तो यहां पर पॉइंट टेबल के अनुसार नेट रन रेट जो है वो भारतीय टीम का ही सबसे ज्यादा है और ऐसे में भारतीय टीम इस नेट रन रेट के साथ काफी कुछ आगे सफल करने में कामयाब होगी। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय टीम ने नेट रन रेट के मामले में सभी टीमों को पीछे छोड़ दिया है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम द्वारा हासिल की गई उपलब्धि के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।